भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी, भोजन बॉय सुमित हेयर। तो भाई आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यूट्यूबर्स को लेकर बहुत सारा न्यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत हॉट चल रहा है, अभी बहुत गर्म है। पता ही होगा साकेत मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर भंते सुमित रतन ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो आपको बताऊंगा भंते सुमित रतन ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए महाराज चक्रपाणि जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इन्विटेशन, जो दलित राष्ट्रपति है देश के, अब उनसे ही पता चल रहा है कि राष्ट्रपति की भी जाति होती है, राष्ट्रपति भी दलित होता है, देश का प्रथम व्यक्ति भी दलित होता है, उनको भी बुलाइए। तो ये चक्रपाणि क्या बोल रहा है, वीडियो देखो। मेरी एक सलाह है ट्रस्ट को कि और देश को भी कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आए, भूमि पूजन करें, लेकिन उसके साथ हमें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ विशेष रूप से राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एक बहुत अच्छे वो हैं। दूसरी बात है, दलित परिवार से जुड़े हुए हैं, दलित परिवार से जुड़े हुए हैं और सनातनी है, तो इसलिए अगर वो भी भूमि पूजन में होते हैं तो एक ऐतिहासिक पल होगा। और पूरा वीडियो कमेंट बॉक्स में है, आप इनकी मानसिकता देखिए। एक देश का राष्ट्रपति इतना बड़ा, जो प्रधानमंत्री से भी बड़े ओहदे पर होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति होता है, उसको बोल रहा है कि भाई राष्ट्रपति को भी बुलाइए, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा दलित है। अगर राम मंदिर के भूमि पूजन में उनको बुलाएंगे तो दलितों के बीच में अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति दलित है भाई हमारा, ऐसा कहना है चक्रपाणि का। तो इसके लिए क्या बोलोगे नीचे कमेंट करो। वो भाई जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो भी राम मंदिर को लेकर ही आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा भूमि पूजन होने वाला है राम मंदिर का, तो जो साकेत मुक्ति आंदोलन चल रहा है जिसे लीड कर रहे हैं भंते सुमित रत्न जी, उन्होंने एक वीडियो बनाकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने उनका कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हमने सब कुछ करके देख लिया, सारे तिगड़े मजमा के देख लिए, लेकिन अगर सबसे बात नहीं बनती है तो वो अपना आत्मदाह भी कर सकते हैं, यानी कि वो आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्या बोलते साकेत के लिए। तो ये वीडियो देखो। लोकतंत्र की हत्या करके मनमाने तरीके से राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, जिसके खिलाफ देश की आधी आबादी से ज्यादा है, फिर भी ये लोग मनमानी तरीके से राम मंदिर बना रहे हैं। हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। अगर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई न्याय नहीं दिया, अधिनियम 1958 अधिनियम 1972 को अगर इन्होंने नहीं माना तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग पुतला फूकेंगे, हम लोग आत्मदाह करने की स्थिति में भी जा सकते हैं। देश भारत के बौद्ध जागो। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। भंते सुमित रत्न जी का कहना है कि ये जो पूरा प्रशासन है ना, उनको कोई काम करने नहीं दे रहा है, जैसे कि उनका हाई कोर्ट में केस डला हुआ है साकेत मुक्ति आंदोलन का, सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ है, लेकिन प्रशासन बहुत अड़ंगे डाल रहा है इसके बीच में, और किसी चीज से बात नहीं बनी और आत्मदाह करने की नौबत भी आई तो भंते सुमित रत्न जी साकेत के लिए आत्मदाह भी कर देंगे। तो इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करो। और एक बात और, हमारा राष्ट्रपति दलित है। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही है अंजुल भैया को लेकर। अंजुल भैया को मिल रही है भाई धमकियां। हाँ भाई सही सुना, अंजुल भैया को मिल रही है धमकियां। क्यों, क्या कारण है इसका, और दे कौन रहा है ये आपको बता दूंगा तो आप क्या बोलते चक्कर खा के गिर जाओगे। दे रहा है भोजन समाज का एक व्यक्ति ही जो पासी समाज का है। हाँ भाई वो अंजुल भैया को धमकियां दे रहा है, और दे क्यों रहा है। एक वेब सीरीज आई थी दलित दास्तान, उसमें एक कैरेक्टर था सुमेध पासी का जो मैंने ही निभाया था, उसी कैरेक्टर की वजह से पासी समाज का वो व्यक्ति अंजुल भैया को धमकियां दे रहा है, फोन लगा के धमकियां दे रहा है। लेकिन अभी मैं आपको वो सारी चीजें दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि अंजुल भैया ने मुझे दिखाने और बताने से मना करी है। लेकिन आने वाले समय में अगली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देने वाला हूं इस बारे में, तो आप लोग फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अक्सर आपने सुना होगा जो लोग बीएसपी के विरोधी है वो बोलते हैं कि बीएसपी अब मनुवादी हो गई है, बीएसपी अब बहुजन समाज पार्टी से हटकर ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, अब वो दलित और पिछड़ों की बातें नहीं करती। लेकिन जो आरडी भारती जी है उनका कहना है कि क्या केवल जो बहुजनों की पार्टी है बीएसपी उसमें ही ब्राह्मणवाद है, या फिर ब्राह्मण से क्या और भी जो दलितों की पार्टी जैसे कि आरजेडी हो गई, सपा हो गई, या फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी हो गई, या फिर वंचित बहुजन अघाड़ी हो गई, क्या इनमें ब्राह्मण नहीं है। तो ये वीडियो देखो। ये तो ब्राह्मणवादी पार्टी है, बहन मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर चल रही हैं। मैं उन तमाम लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, जो सत्य है। लोक जनशक्ति पार्टी
जो है दलितों की पार्टी है, एस सी एस टी की पार्टी है, और उसके महासचिव सूरजभान सिंह है, दबंग भूमिहार है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की, उसके प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह है जो कि सवर्ण है, और मनोज झा राज्यसभा सदस्य आरजेडी के, वो मैथिल ब्राह्मण है। जो अमरेंद्र धारी सिंह दबंग भूमिहार पटना के, जो आरजेडी में है, क्या ये सारी चीजें उन पार्टियों पे लागू नहीं होती, केवल बसपा पे ही लागू होती है? पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। आरडी भारती जी का भी कहना सही है कि जो बहुजनों की पार्टियां है, दलितों की पार्टियां है, आरजेडी हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, बीएसपी हो, सपा हो, सभी में ब्राह्मण से बड़े बड़े पदों पर है, ठाकुर भी है, स्वर्ण भी है, और बड़े बड़े पदों पर है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पदों पर है, सचिव महासचिव सब में है ब्राह्मण और ठाकुर। लेकिन लोग अधिकतर बीएसपी को ही क्यों टारगेट करते हैं इसके लिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग बहुजन समाज के लोग अंबेडकरवादी बीएसपी को बहुत प्यार करते हैं, अपने घर की पार्टी समझते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं, और जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उनको हम लोग अपना नहीं समझते और कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। भाई अगली बड़ी स्टोरी निकल कर आ रही है एक्टिविस्ट वेद को लेकर। एक्टिविस्ट वेद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बिहार के एक बड़े नेता द्वारा। ये बात खुद एक्टिविस्ट वेद प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार के एक महामूर्ख नेता द्वारा हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ एक गलत कैंपेन चलाया जा रहा है, और एक्टिविस्ट वेद की गलती केवल इतनी थी कि उस नेता की एक फर्जी खबर इन्होंने अपने चैनल पर नहीं चलाई, इसलिए इन्हें बदनाम किया जा रहा है। और एक्टिविस्ट वेद लिखते हैं कि उस नेता का सोचना है कि दलित है दबा दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं डरने वाले, ऐसा कहते हैं एक्टिविस्ट वेद प्रकाश। अब इसमें कुछ पड़ी है भाई भीम आर्मी भी। भीम आर्मी के जो अमर ज्योति जी है बिहार के महासचिव, वो लिखते हैं कि दलित पत्रकार एक्टिविस्ट वेद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बिहार के एक बड़े नेता द्वारा। याद रखिए, एक्टिविस्ट वेद के साथ पूरी भीम आर्मी खड़ी है, अगर उसको खरोच भी आई तो आंदोलन तहलका मचा देंगे बिहार में। तो भाई एक बड़ी खबर थी कि दलित पत्रकार एक्टिविस्ट वेद को क्या बोलते बदनाम या फिर धमकियां मिल रही है एक बिहार के बड़े नेता द्वारा। उनका नाम तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नाम सामने आएगा तो आपको भाई, आपका भाई, आपका दोस्त आपको सबसे पहले बताएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना यार, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। दोस्तों आप लोग भी भोजन आर्मी का हिस्सा हो यार, तो अपने भाई की वीडियो को लगातार शेयर करा करो अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के सारे ग्रुप्स में। और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले पाओ। तब तक के लिए बाय बाय।